तब भगवत प्राप्ति होती है। ये नंबर एक की भक्ति प्रेमा भक्ति, ये पांच प्रकार की होती है, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। भगवान राजा है, हम उनकी प्रजा हैं, ये दूर का रिश्ता, ये शांत भाव। वे हमारे स्वामी हैं, हम दास हैं, और नजदीक गए, अब हम उनकी चरण सेवा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दूरी है। अब इससे ऊंचा सख्य भाव, हमारे सखा हैं, अब तो उनके कंधे पर बैठ के घोड़ा बना लेते हैं, और नजदीक हो गए उनके, लेकिन फिर भी अभी दूरी है। उससे बड़ा वात्सल्य भाव, वो हमारे बेटे हैं, हम उनकी माँ हैं, बाप हैं, फिर भी थोड़ी सी दूरी रह गई, वे हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं। ये माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ, क्यों? इस माधुर्य भाव में ये फ्रीडम है कि जब चाहो पति बना लो, जब चाहो बेटा बना लो, जब चाहो सखा बना लो, जब चाहो स्वामी बना लो, यानी सब भावों में जा सकते हो, माधुर्य भाव का ये अधिकार है, पूर्ण एकत्व हो जाता है, दूरी खत्म। तो ये माधुर्य भाव भी तीन प्रकार का होता है, एक का नाम साधारणी रति, एक का नाम समंजसा रति, एक का नाम समर्था रति। साधारणी रति माने अपने सुख की कामना से श्याम सुंदर से प्रेम करना, हमको उनका आलिंगन मिले, स्पर्श मिले, प्यार मिले, ये भावना, ये कुब्जा वगैरह का प्रेम। इससे ऊंचा द्वारिका की स्त्रियों का प्रेम, ये समंजसा रति का प्रेम है। इसमें अपने सुख की भी भावना और श्याम सुंदर के सुख की भी भावना, दोनों कंबाइंड। इससे भी ऊंचा समर्था रति का, श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्रेम करना, उनको जैसा अच्छा लगे। हमारी कोई अपने सुख की कामना नहीं है, हम शरीर धारण किए हैं का पालन करेंगे, सहर इतराज नहीं। जो मैंने प्रेम की परिभाषा बताई थी कल न, उनके सुख में सुखी होना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, अपनी टांग नहीं अड़ाना, ये गोपी प्रेम सर्वश्रेष्ठ। इसके दास बन जाते हैं भगवान, बिक जाते हैं, वो जैसा चाहे वैसा नचावे भक्त। इस प्रेम के, प्रेमियों के पीछे पीछे घूमते हैं भगवान। तो ये माधुर्य भाव के भी बहुत से स्तर होते हैं, जैसे प्रेमा भक्ति मैंने बताया, इसके आगे स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति,
फिर भाव भक्ति, फिर महाभाव भक्ति, सबसे बड़ी महाभाव कहते हैं उसको। महाभाव भी दो प्रकार का होता है, एक रूढ़ महाभाव, एक अधिरूढ़ महाभाव। तो रूढ़ भाव से भी ऊंचा होता है अधिरूढ़ महाभाव। अब अधिरूढ़ महाभाव भी दो प्रकार का होता है, एक मादन एक मोदन, दोनों मिलन के हैं। मादन और मोदन, तो मोदन अवस्था तक श्री कृष्ण गए। ये कोई जीव नहीं जा सकता वहां तक, मोदन रस। वही मोदन रस वियोग में मोहन रस बन जाता है, फिर उसी मोहन रस की 10 अवस्था हो जाती है, संजल विजल्प अवजल प्रतिजल्प आदि। उतनी बारीकी में मत जाइए। तो ये जो मादन है अधरूढ़ महाभाव का, ये केवल राधा रानी के पास है, श्री कृष्ण को भी नहीं मिलता। इसलिए श्री कृष्ण राधा रानी के दास बन जाते हैं इसी मादन रस के लिए। यह मादन रस बताया नहीं जा सकता कैसा होता है। जब किशोरी जी अकेली इस रस का पान करती हैं तो कौन बताएगा, दूसरे को पता ही नहीं है। लेकिन अंतिम रस है यूं समझिए। तो वो मादनाख्य महाभाव स्वरूपा राधा रानी हैं, ये मैंने आपको उस लाइन में बताया था कि राधा रानी मादन भाव रस वाली बरसाने वाली हैं, उनके दास श्याम सुंदर इसी रस के भिखारी बनकर रहते हैं।